दोस्तों, बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप बाबर आजम के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एशिया कप और वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, उसके लिए कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए एक नए कप्तान की तलाश कर रही है। वहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए शादाब खान को पाकिस्तान टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। वहीं बाबर आजम को टीम में एज अ प्लेयर खेलने का मौका मिलेगा। वहीं पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने बाबर आजम को कप्तान रहने देने की नसीहत दी है। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बाबर आजम की जमकर तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान टीम को बाबर आजम की कप्तानी में दुनिया का नंबर वन टीम बनी है, ऐसे में टीम में फिर बदल करना टीम के लिए नुकसान साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या नया कप्तान बनना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।